Hello everyone and welcome back to our channel and you are watching Agarwal Classes and today आज हमारे साथ कीर्ति है और कीर्ति ने क्लास 12th में 93.33% स्कोर किया है और कॉन्ग्रेचुलेसन कीर्ति फॉर स्कोरिंग 93.33%। तो पहले बात हम जान लेते हैं कि कीर्ति ने ऐसा क्या किया, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीर्ति, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति अमोल हम्बे एंड मेरा अभी 12th कंप्लीट हुआ है। मैंने 93.33% स्कोर किया है एंड मैं अग्रवाल के साथ गए 3 साल से हूँ। ओके कीर्ति, हाउ यू हैंडल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, बिकॉज दीज आर 4 कोर सब्जेक्ट्स एंड तो आपने कैसे हैंडल किया फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को और बायो को, क्योंकि ठीक है बताएं। वैसे हमारे कॉलेज में ऑप्शन नहीं था, हमें चारों सब्जेक्ट लेना ही था, इसलिए फिर मुझे PCMB चारों लेना पड़ा एंड आफ्टर टेकिंग दैट फिजिक्स और केमिस्ट्री ये एक मतलब बहुत टफ होते ही हैं और मैथ्स और बायो भी टफ होते ही है, पर हम कैसे उसको कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज लिख लिख के रटा मारते हैं या फिर और बहुत सॉल्विंग प्रैक्टिस भी करते हैं, इसलिए मैथ्स हो जाता है। बायो में हम डायग्राम्स वगैरह निकाल के, मैं खुद हमेशा डायग्राम्स निकालती थी, मतलब हमारे जो टीचर्स थे नेहा मैडम ने हमेशा हमें डायग्राम निकालती थी और उसके पीछे का पूरा रामायण बताती थी, इसलिए कभी भी बायो ऐसा हार्ड नहीं किया। मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और मैथ्स के लिए सर ने हमें बताया था कि जब भी हम बिल्लू सर ने बताया था कि आप एक नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में सब फॉर्मूलाज लिख दो, और ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप जब भी एग्ज़ाम को जाते हैं तब एग्ज़ाम के पहले दिन आपको एक प्रेशर आता है दैट हाउ एम आई गोना अटेम्प्ट दिस पेपर, लाइक दिस इज़ गोना बी बहुत टफ होने वाला है, इसलिए हम वो एक बस बुक निकालेंगे और पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वैसे ही हो जाता है। इसलिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज वगैरह वगैरह बता के अग्रवाल ने हमें पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था। ओके तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स कंटेन्स 2 पार्ट, एक न्यूमेरिकल पार्ट और एक थ्योरी पार्ट। उसमें भी थ्योरी में भी बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, तो क्या उनको आपने अलग से प्रूफ किया, अलग से नोट बनाया या फिर कैसे किया? हाँ, इसके लिए भी मैंने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की। सर ने जैसे बताया था कि आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें फॉर्मूलाज लिख दीजिए, दूसरे बुक में सारे थ्योरी लिख दीजिए और राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट, जितना आप लिखेंगे जितना आप बोलेंगे उतना आप अच्छे से लिख पाएंगे, वही आपको एग्ज़ाम में करना है, आपको लिखना है। तो लाइक लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक PCMB दीज आर द कोर सब्जेक्ट बट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लोग लास्ट में डील करते हैं, बोलते हैं मैं लास्ट में लैंग्वेज रखना, इंग्लिश तो आसान है लाइक दैट, क्या हमें लास्ट के लिए इंग्लिश रखना चाहिए या फिर पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए लाइक दैट? इंग्लिश हमें जब पढ़ाया जाता है तभी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब मैडम लोग सिखाती है, सर लोग बताते हैं, तभी अच्छे से अगर हम सुनेंगे अच्छे से उस स्टोरी समझेंगे। इंग्लिश में हमेशा कोई ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या फिर स्टोरी होती है, तो सुनते जाए अच्छे से अगर हम समझेंगे तो वैसे इंग्लिश ऐसे कोई तो सब्जेक्ट करना चाहिए, वैसा वाला सब्जेक्ट है नहीं। अच्छे से अगर समझेंगे, मज़ा लेके करेंगे तो इंग्लिश भी हो जाता है, बस ग्रामर थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए ग्रामर की प्रैक्टिस तो हमें कॉलेज और ट्यूशन में भी ली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली करने जैसा सब्जेक्ट है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट लास्ट में करेंगे तो नहीं होने वाला, इसलिए कंसिस्टेंसी इज मस्ट। अगर जैसा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मान लो मैथ्स है, तो मैं दिन भर मैथ्स करूँगा तो बाकी सब्जेक्ट तो वीक हो जाएंगे, तो कैसे करना चाहिए, हमें पूरे सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करना चाहिए या फिर वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा, या फिर कैसे, मतलब तुमने कैसे किया था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो मैं रोज़ मैथ्स करती थी, मतलब रोज़ करती थी, लाइक 2 आवर्स कंपल्सरी मैथ्स करना ही है। आज मेरा पूरा शेड्यूल बना है तो उसमें आज मैं फिजिक्स करूँगी इतना पार्ट, केमिस्ट्री थोड़ा पार्ट करूँगी, पर मैथ्स करूँगी क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। एंड अगर हमें कुछ कोई चीज़ पसंद है, अगर मुझे मोबाइल चलाना पसंद है तो मैं रोज़ मोबाइल लेती हूँ,
तो वैसे ही हमें जो सब्जेक्ट पसंद है वो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए हाँ, मुझे पसंद था रोज मैथ्स करना। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स सर। ओके, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मुझे इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट कि क्या आप कोई गेम्स वगैरह इंडोर आउटडोर या फिर मोबाइल गेमिंग ये सब करती थी? ऐसे मोबाइल गेमिंग तो मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे आउटडोर गेम्स ज़्यादा पसंद है। मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्विमिंग कर रही हूँ, पर एंड स्टेट लेवल और फिर जोनल्स एंड देन डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाके आई हूँ। पर अभी ये पैंडेमिक के वजह से सब कुछ बंद हो गया था, इसलिए मैंने एक न्यू हॉबी खुद में ले ली। मुझे तबला प्ले करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं रोज़ 1 घंटा तो तबला के लिए देती ही थी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वी हैव आवर लाइफ। मतलब हर बार 12th है इसलिए मुझे सिर्फ पढ़ना है, नहीं ऐसे नहीं है, वी हैव आवर ओन लाइफ। तो पढ़ना तो है ही, पर उसके साथ हमें खुद को भी टाइम देना है, क्योंकि जितना हम चार्ज होंगे उतना ही हम वही फ्यूल हम आगे जाके स्टडीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हॉबीज़ को टाइम देना ही चाहिए। ओके, तो टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, क्या आप इन सबको यूज़ करती थी? मेरे पास सब है, मेरे पास व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, और मैं बीच में स्नैपचैट पे भी थी, पर मुझे स्नैपचैट इतना पसंद नहीं। पर मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम वैसे अगर देखा जाए तो जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, और हम पे है कि हम कौन सा साइड देख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं कि सब लोग ये स्टेटस ये स्टोरी लगा रहे हैं कर रहे हैं, तो उनकी हमें सिर्फ ब्राइट साइड दिख रही है कि यस ये मज़ा कर रहा है, तो हम भी ऐसे हो जाते कि यार ये मज़ा कर रहा है मैं नहीं कर रही हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, और व्हाट्सअप पे भी स्टेटस वगैरह नहीं देखना है, जस्ट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है स्कूल के कॉलेज के मैसेजेस है तो वही बस व्हाट्सअप, और इंस्टाग्राम के लिए भी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन वगैरह बस, बाकी जैसे टाइम पास जैसे रील्स वगैरह है वो मैं ज़्यादा नहीं देखती। इसलिए सोशल मीडिया वैसे कुछ इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है मेरे स्टडीज़ पे, वो भी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि आपका कोई एडवाइस जो कि क्लास 11th और 12th में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई एडवाइस है तो? हाँ, मैं एक बोलना चाहती हूँ कि जब हम 10th पास करते हैं तब हम पे सब लोड डालना चालू कर दें, सब पूछते हैं पुढ़े क्या करा है, आगे क्या करना है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू बी, ये क्वेश्चंस हम पे धड़ाधड़ आना चालू हो जाते हैं। इसलिए हम एक काइंड ऑफ प्रेशर के नीचे जाते हैं कि यार मुझे कुछ तो करना है, तो ऐसा नहीं चाहिए। लोग तो पूछेंगे पर हमारी खुद की लाइफ है, जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी पढ़ाई में तो होनी चाहिए ही, बट कंसिस्टेंसी हमारे खुद के लिए भी होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव आवर लाइफ बियॉन्ड एवरीथिंग। तो लाइक पढ़ो सब करो, पर उसके साथ खुद को भी टाइम दो। मैं खुद 8 घंटा सोती थी, क्योंकि हमें पैंडेमिक के जो भी दौर था उसमें बहुत टाइम था, लाइक 24 आवर्स टोटली डिवोटेड किसी चीज़ के लिए। तो पढ़ना भी है, हॉबीज़ को भी टाइम देना है, और ख़ुद के हेल्थ को भी टाइम देना है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। अच्छा शेड्यूल होना चाहिए, हमें सर हमेशा बताते हैं कि सुबह उठो, रनिंग करो, पढ़ाई करो, सब करो। यस, करना तो चाहिए, पर कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं, बट इफ़ यू डू दैट इट्स गोना बी बेनिफिट तो होगा ही उसका। ओके, थैंक यू कीर्ति, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।